राजस्थान के भरतपुर जिले के हलेना कस्बे में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरतपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राम स्वरूप कोली के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए रविवार को पहुंचे। जनसभा में लगभग 5000 लोगों की भीड़ योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पहुंची। जनसभा को संबोधित करते हुए रविवार को मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा, आतंकियों को बिरयानी खिलाने वाली कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 के रूप में एक आतंकी तंत्र दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने उसे खत्म करने का काम किया। आज नए भारत का निर्माण हो रहा है जिसमें आतंकियों का खात्मा हुआ है। आज देश विश्व स्तर पर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि 3 दिन पहले ब्रिटिश समाचार पत्र द गार्जियन ने लिखा था कि पाकिस्तान में 20 आतंकी मारे गए हैं और ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई भारत ने की है। हमारी सरकार राम राम करना भी जानती है और आतंकियों को मिटाने के लिए राम नाम सत्य भी करना जानती है। एक तरफ द गार्जियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया इस आतंकवाद को बोझ मान रही है, और एक कांग्रेस थी अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी ना आतंकवादियों को। आप मुझे बताओ कि आतंकवादी मारे जाने चाहिए कि नहीं मारे जाने चाहिए, कि समाज के बोझ है, सबकी सुरक्षा के लिए खतरा है। और कांग्रेस गरीबों को भूखों मारती थी और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, ये इनके हाथ थे। और मोदी जी तो 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं, पिछले 4 साल से दे रहे हैं, अगले 5 साल तक लगातार देंगे। बहनों और भाइयों, आज जो ये कार्य हो रहा है, चाहे वह सुरक्षा का हो और चाहे वह बड़े बड़े विकास के कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, एम्स, जहां हर घर नल की योजना, हर खेत को पानी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, अभी यहां पे विजया जी बोल रही थी और जवाहर सिंह जी भी बोल रहे थे कि सिंचाई की योजना के लिए यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने धनराशि स्वीकृत की है। बहनों और भाइयों, कोई राज्य सरकार अपने दम पर अकेले नहीं कर सकती थी अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना नहीं होती तो।